जांजगीर जिले में पामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम रसौटा में आयोजित शादी समारोह में लाइसेंसी पिस्टल से हवाई फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 पिस्टल और 47 नग जिंदा कारतूस को जब्त किया है। मामले में पिस्टल का लाइसेंस निरस्त करने जिला दंडाधिकारी को पत्र भेजा गया है। शादी समारोह में आजकल हवाई फायर करना फैशन बन गया है। रसूखदारों के विवाह में अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं। जांजगीर जिले में पामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम रसौटा में ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां जिला पंचायत उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह के पुत्र के विवाह के आशीर्वाद समारोह में रिवॉल्वर और पिस्टल से एक के बाद एक हवाई फायरिंग करने का दौर शुरू हुआ। रिश्तेदारों में दुल्हन, उसकी मां सहित कई लोगों ने हवा में गोली चलाई और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और नोटिस जारी कर दोनों हथियारों और 47 नग जिंदा कारतूस को जब्त कर लिया। साथ ही जिला दंडाधिकारी को नोटिस जारी कर हथियार का लाइसेंस निरस्त करने का नोटिस जारी किया है। पाया गया कि उसमें जो शस्त्र लाइसेंस धारी हैं, उनके द्वारा लाइसेंस के शर्तों का अंतरिम जांच में उल्लंघन करना पाया गया। इस पर से शस्त्र लाइसेंस धारी शांतनु सिंह से उसके लाइसेंसी पिस्टल और 47 नग जिंदा कारतूस और 2 खाली कारतूस के खोखे विधिवत जब्त किया गया है। इसी प्रकार से एहतियातन जो लाइसेंसी धारक हैं, उनके पिता राघवेंद्र प्रताप सिंह के लाइसेंसी पिस्टल और जो कारतूस है उसको विधिवत जब्त किया गया है। इसके अलावा 2 एयर पिस्टल को भी जब्त किया गया है और इस मामले में अंतरिम जांच में लाइसेंस की शर्तों को उल्लंघन पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को लाइसेंस के निरस्तीकरण और शस्त्रों के रासात की कार्यवाही की अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन भेजी गई है। नियमों का उल्लंघन करते हुए जिस तरह से हवा में फायरिंग की गई है वह काफी गंभीर मसला है। हथियार का लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही उसे राज्य सात करने का भी प्रतिवेदन पुलिस ने दिया है। जैसे ही कलेक्टर का आदेश आएगा उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड एसए न्यूज के लिए जांजगीर से महेंद्र कुमार के साथ भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट।